नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मल सिंह पांडे, को कन्वीनर भटियात सभा। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 4 जनवरी 2022 को हम पिछले 2-3 सालों में भटियात ब्लॉक की तरफ से, भटियात वीडियो श्री बशीर खान जी की तरफ से जो भी काम किए गए हैं और जिनमें बहुत सी अनियमितताएं पाई गई हैं, चाहे वो प्लांटेशन का मुद्दा है, चाहे वो इंटरलॉकिंग टाइल का मुद्दा है, चाहे वो मेडिकल किट खरीदने का मुद्दा है, जिसमें कि बहुत बड़ा एक हम बोलना चाहेंगे कि घोटाला हुआ है, हम चाहेंगे उस मुद्दे को लेकर, और इन सब की खरीद फरोख्त में जो कि करोड़ों के हिसाब से पहले एडवांस में पेमेंट की गई, उन मुद्दों को लेकर, इसके साथ शहीद राजीव थापा जो कि चलामा पंचायत से, चलामा गांव से थे, जो कि ऑपरेशन रक्षक में 1994 में शहीद हो गए, और उनकी माता जी की सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी कि उनके नाम से जो चलामा गठासनी सड़क है उसका संपर्क मार्ग का नाम दिया जाए। इसके अलावा शहीद सुभाष जो कि पूरी सेक्टर में शहीद हुए और कथेड़ पंचायत से संबंध रखते थे, और उनकी भी मांग थी कि सिर्फ 800 मीटर जो सड़क उनके घर तक बननी थी वो 7 साल हो जाने के बाद भी आज तक नहीं बनी है। इसके अलावा सब डिपो का मुद्दा जो कि चुआड़ी में पिछले 17 सालों से 18 सालों से जो है कि फट्टा लगा हुआ है संगमरमर का, कि सब डिपो चुआड़ी पर आज तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा भी हमारे मुख्य सचेतक जी ने अभी 13 दिसंबर को एक प्रश्न पूछा विधानसभा में, और उस विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री महोदय ने मना किया है कि सब डिपो की मनाही की है, तो वो जो संगमरमर का फट्टा लगा वो किस लिए लगा है। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड की मशीन चुवाड़ी अस्पताल में पिछले 15 सालों से धूल फांक रही है, उसके ऊपर कार्रवाई कब की जाएगी, कब उसको चलाने के लिए ऑपरेटर बुलाया जाएगा। इसके अलावा जो पेडियाट्रिशियन का डॉक्टर, जो बच्चों का डॉक्टर है, जो एक भी सर्जन आज तक जो है इस चौड़ी अस्पताल में नहीं है, हम चाहेंगे इन तमाम बंदों को लामबंद करते हुए। सब सेंटरों की हालत बुरी है, भटियात में जितने भी सब सेंटर हैं उसमें 50% भी ऐसे हैं जहां की अभी पोस्ट वेकेंट है। तो हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य, सड़क के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, रखेड़ जैसे स्कूल में एक भी टीचर जो है वो प्लस वन टू का नहीं है, लेक्चरर जो पोस्ट होनी चाहिए थी उस पर नहीं है। हम चाहेंगे कि इन तमाम मुद्दों पे हम एक आगाज़ कर रहे हैं, एक आंदोलन का आगाज़ कर रहे हैं, और 4 जनवरी को 12 बजे SDM ऑफिस चुवाड़ी से हम तमाम जनता को लामबंद करते हुए एक धरने के माध्यम से उन आदमियों को कि जो कि सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हैं, सत्ता की शिखर पर बैठकर सत्ता के हिचकोले खा रहे हैं और चंद नीतियां बना रहे हैं, चाहे वो हटली इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन लेने का मामला हो, चाहे वो लोन लेने का मामला हो, बाकी हम वो तमाम बातें जो हैं वो आपके रूबरू करेंगे आने वाले 4 जनवरी 2022 को। उम्मीद करते हैं कि भटियात सभा के बैनर तले आप तमाम लोग, हम गांव-गांव में जाकर आज से ही आप लोगों से के पास जाएंगे और आपसे उम्मीद करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 4 जनवरी 2022 के इस धरने को सफल बनाएं। ये धरना पूरा एक डेमोक्रेटिक वे से होगा, उसके बाद ये किस ओर जाता है वो आप लोग, हम लोग तय करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में आप तमाम लोग इस धरने में हमारा साथ देंगे और इस धरने को सफल बनाएंगे, ताकि प्रजातंत्र की नींव जो है वो मजबूत रहे, और जिस तरह से प्रजातंत्र को और मजबूत बनाने के लिए जो प्रजातंत्र के 4 स्तंभ हैं उनका भी काम होता है, उसी तरह राइट टू प्रोटेस्ट जो विरोध का अधिकार है डेमोक्रेटिक वे में, उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उम्मीद करूंगा कि आने वाली 4 जनवरी 2022 को आप तमाम लोग 12 बजे SDM कार्यालय चौड़ी पहुंचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।